तो आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। ये होम्योपैथिक में भी एक तो ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और फास्फोरस हमारे जीवन चक्र का हर सेल में पाया जाता है। फास्फोरस इज एलिमेंट विच इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट, केमिस्ट्री का 15वां एलिमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट को कैसे पहचानोगे? सबसे बेस्ट तरीके, पतला दुबला गोरा लंबा इंटेलिजेंट, फास्फोरस पेशेंट कभी बुद्धू नहीं होगा, एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया रहेगा, अप टू डेट रहेगा। ये हो गया फास्फोरस पेशेंट पहचानने का तरीका। एडेप्टेड टू टॉल स्लेंडर पर्सन ऑफ दिस सोमन नेचर, फेयर स्किन, डेलिकेट आईरिस, आईलेसेस, फाइन ब्लॉन्ड और रेड हेयर, क्विक प्रिसिप्शन एंड वेरी सेंसिटिव टू नेचर। लंबे पुतले पतले रख एंड गोरे रंग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। ये इसके नाजुक बाल सुनहरे और लाल रंग के होते हैं और ब्रेनी होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है तथा प्रकृतिक से नेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठंडा गर्म से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। फास्फोरस यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली एंड इंक्लाइन टू स्टॉप टू वॉक स्टॉप सल्फर स्टूप, मैंने टेढ़ा कम झुका हुआ थोड़ा शरीर लंबा रहेगा, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, ये उसका पहचानने का तरीका है। झुक के चलेगा और बूढ़े लोगों का निमोनिया टाइप का होगा, बूढ़े लोगों के प्रति जैसा चलते रहेगा। मेंटल जनरल नर्वस वीक डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, घबराया हुआ कमजोर, दूसरे से बातों करने से जैसे ही उससे सम्मोहित हो जाएगा, उसके पास उससे अटैच्ड हो जाएगा जो उसको हेल्प करने की बात करेगा। नर्वस वीक एंड डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। एपैथिक अनविलिंग टू टॉक, आंसर स्लोली मूव स्लाइटली, बहुत उदास, बात करने के तैयार नहीं और वो धीरे धीरे बात करेगा और धीमे गति से वो चलता भी है, बहुत धीरे धीरे चलेगा भी वो। वीरी लाइफ फुल ऑफ ग्लूमी एंड फॉरबिडिंग, जीवन से थका हुआ, टायर्डनेस फ्रॉम हिज ऑन लाइफ, हमेशा फ्यूचर के बारे में ये सोचता रहता है। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर भी इसका एक रूब्रिक है, फ्यूचर के बारे में हमेशा सोच करके जिंदगी गुजारता रहता है। वेरी सेंसिटिव टू ऑल सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस है सारे सेंसिटिव रहेंगे, आवाज से, गंध से, स्पर्श से, स्किन की सारे हमारे जो ऑर्गन से एक्सटर्नल इंप्रेशन, स्लाइट नॉइस ऑर्डर एंड टच से वो सेंसिटिव रहता है। बर्निंग इन स्पॉट अलोंग द स्पाइन, स्पाइन के पर्टिकुलर एक रीजन में वह बर्निंग होगा, बिटवीन द स्कैपुला, दोनों स्कैपुला के बीच में, जो नीचे दिखाया है ऊपर होगा। एट ए पीस ऑफ आइस लकी एनंथस भी है और इंटेंस हीट रनिंग टू द बैक, सीधा ऊपर से नीचे तक गर्म चल के आ रहा है और चलते हुए सीधा पाम तक, हाथ के पाम तक आ जाता है, चेस्ट एंड लंग्स तक होता है। एवरी ऑर्गन टिश्यू ऑफ द बॉडी, सारे ऑर्गन और ये में जलन से भरा हुआ रहता है, जनरली डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। फास्फोरस फिजिकल जनरल हेमरेज फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज पोरिंग आउट ऑफ द फ्रीली, इसका देखो हेमरेज का सबसे है रक्त साहब, सारे ऑर्गन में, सारे जहां लीकेज पॉइंट है सारे जगह से ब्लीडिंग, मतलब कफ में, नाक से, यूटेरस से, यूरिन से, सारे जगह से प्रचुर मात्रा में, बहुत हाई हेविली प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा। हेमोरेज डायथेसिस, स्मॉल वुंड्स ब्लीड प्रोफ्यूजली फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, सारे म्यूकस आउटलेट हैं
वहां से ब्लीडिंग होना। रेस्टलेसनेस, फेटिग, मूव कंटिन्यूअसली कैनॉट सिट इन स्टैंड इन स्टेट, ये हमेशा हलचल रहेगा, हमेशा एक जगह वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, हमेशा हरकत करते रहेगा बच्चों लोग के जैसे। और पैरों में जो बेचैनी होती है दैट इज इनकम्बेंट, और पूरे बॉडी में अगर बेचैनी होता है दैट इज फास्फोरस। ग्रेट वीकनेस ऑफ द पोस्टेशन विथ नर्वस डेबिलिटी एंड ट्रेवलिंग ऑफ होल बॉडी, वीकनेस एंड वेरीनेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, पूरे बॉडी में कांपता हुआ रहेगा, अत्यधिक कमजोरी और थकान पूरा भरा हुआ रहेगा, सारे शरीर में कांपते रहेगा, और सेमिनल एमिशन हो चाहे कोई भी डिस्चार्ज हो, लॉस ऑफ वाइटल फोर्स कहीं से भी हुआ हो, उसके बाद में जो कमजोरी और थकावट आता है दैट इज फास्फोरस। चाइना भी है, फास्फोरिक एसिड भी है, तीनों चीज के लिए। फास्फोरस को पहचानना उसका फिजिकल बनावट से पहचान सकते हो, चाइना को भी वैसे पहचान सकते हो, फास्फोरिक एसिड को भी पहचान सकते हो। ए वीक एम्प्टी गॉल सेंसेशन इन द हेड चेस्ट स्टोमक एंड एंटायर अपडोमेन, सिर छाती पेट और पूरे पेट में कमजोर खालीपन, पूरी तरह से पेट खालीपन जैसा मालूम पड़ना। लॉन्ग्स फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स, आइसक्रीम, एमरेशन, गैस्ट्रिक पेन, हमेशा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स पहचानना, हमेशा उसके खाने के लिए भले सर्दी हो खांसी हो लेकिन उसको आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। और पेट में जितना भी दर्द होता रहे चाहे गैस्ट्रिक का पेन होते रहे, अगर उसको आइसक्रीम खिला दो तो उसका पेट दर्द कम हो जाएगा। पर्सपिरेशन हैज ऑर्डर ऑफ सल्फर, सल्फर जैसा गंधक जैसा उसका पसीना गंधक मारेगा, गंध मारेगा। फास्फोरस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर डैंड्रफ, फॉल आउट ऑफ क्लाउड्स, हेयर फॉल आउट ऑफ बंचेस, बाल्डनेस एंड सिंगल स्पॉट, ये डैंड्रफ के लिए, और बंच ऑफ हेयर अगर निकल रहा है उसके लिए, और स्पोर्ट में एलोपेशिया एरेटा में भी दिया जाता है। आईज हॉलो सराउंडेड बाय द ब्लू रिंग्स और पफिनेस स्वेलिंग, एडमेटस अपर लीड होता है कालिका स्वेलिंग और लोअर लीड होता है एपिस्मेल, और दोनों अगर होते हैं दैट इज फास्फोरस। स्नीजिंग एंड कोरेजा फॉर पुटिंग हैंड इन वाटर, कितने जगह का पानी में जैसे छुएंगे मेरे को सर्दी खांसी स्टार्ट होता है, दिस इज सिंगल रेमेडी फॉर दैट इज फास्फोरस। ये नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट लोअर जॉस, लेफ्ट लोअर जॉ में अगर घाव है दैट इज नेक्रोसिस हो गया है, ओनली द सिंगल रेमेडी इज फास्फोरस। तो लेफ्ट लोअर जॉ में कैंसर भी हो गया चाहे कुछ भी हो गया, आई कैन गो फॉर इट। एज सून एज वाटर बिकम्स वार्म इन द स्टोमक इट इज थ्रोन आउट, जैसे पानी पी लिया चाहे ठंडा पानी पी लिया, जैसे पेट गर्म हो जाएगा वैसे ही पानी वोमिटिंग कर देगा। इसको एक समझना बहुत जरूरी है वाला, इसके बाद में और भी बताता हूँ जो इसका सिर्फ ब्रैनिया का ही उल्टा ही रहता है। फास्फोरस रिग्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ द माउथफुल, खाना खाने के बाद जो खाना अंदर चलेगा ये वापस लेगा फिर उसको निकलेगा, उसका वापस आ जाएगा खाना, रिग्रेशन। एल्यूमिना में भी ऐसे ही होता है। गैस्ट्रेशन, नौशिया फ्रॉम प्लेशिंग हैंड्स इन अ वार्म वाटर, देखो ये एकदम फास्फोरस का एक बहुत बेहतरीन सिम्टम है, गर्म पानी में हाथ डालने से उसको उल्टी लगेगा। ठंडा पानी में अगर हाथ डालता है तो क्या होगा, सर्दी और छींक होगा,
गर्म पानी में अगर डालता है तो उसको उल्टी उल्टी लगेगा। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों को याद रखो। फास्फोरस पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत हार्ड होगा, इचेपेस गिरिया जैसे, बहुत ज्यादा जोर से ताकत लगाएगा। कॉस्टिकम भी है आपके पास, जो बहुत ज्यादा जोर से निकालने में तकलीफ होता है। जस्ट इसको बोलते हैं कि फास्फोरस का जो स्टूल होता है, कुत्ते लोगों का स्टूल जैसा होता है। डायरिया एस्टूल इज एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू रेक्टम प्रोफ्यूज पॉरिंग अवे फ्रॉम ए हाइड्रेट वाटरी एंड शेगो लाइक पार्टिकल सेंसेशन एज इफ इन द एनस इन द रिमेंस ओपन इनवॉलंटरी ड्यूरिंग कोलेरा टाइम विच प्रीसीड्स कोलेरा फास्फोरिक एसिड मॉर्निंग ऑफ द ओल्ड पीपल। जैसे पेट में कोई चीज अगर गया तो वैसे प्रचुर मात्रा में पिचकारी जैसा पानी की तरह साबुदाना जैसे कणों के साथ में स्टूल होना, ऐसा मालूम पड़ेगा कि पूरा मलद्वार का एनएस का गेट ओपन हो गया है, एपिसमेंट जैसा। और हैजा के समय जैसे अपने आप दस्त हो जाता है, जो हैजा के पहले होता है जैसे फास्फोरिक एसिड, सुबह का दस्त होना विशेषकर बूढ़े लोगों को, मॉर्निंग डायरिया स्पेशली फॉर द ओल्ड पीपल फीमेल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनेबल टू ड्रिंक वाटर, प्रेगनेंसी के दौरान वो पानी नहीं पी सकेगा। स्लाइट इट कॉजेस वॉमिटिंग, थोड़ा सा भी पानी लेगा उल्टी जैसा लगेगा। मस्ट बी क्लोज योर आइज वेल बाथिंग, नहाते के समय उसको पानी आंख में न जाए बोल करके वो आंख बंद कर लेता है। ये एक पिकुलर सिम्टम है, लाइसिन में भी है। फास्फोरस पेन एक्यूट especially in the chest, aggravation from patient, even slight in the intercostal spaces and lying on the left side, excited by slightest chill, open air intolerable। और ऐसा मालूम पड़ेगा चेस्ट में इतना ज्यादा दर्द देगा और इसको दबाने से और बढ़ जाता है दर्द, दबाने से प्रेशर से और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ठंडा से भी बढ़ जाएगा, खुली हवा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हैवीनेस ऑफ द चेस्ट एज इफ वेट वेयर लाइंग ऑन इट, चेस्ट पूरा भारीपन मालूम पड़ेगा, उस पर कोई बोझ या पत्थर बड़ा हुआ है। कैनॉट टॉक द लैरिंग्स इज सो पेनफुल, गला इतना दर्द देगा कि वो बोल नहीं पाता है। ड्राई रॉ एंड रफ स्वर, स्वर यंत्र बहुत ही दर्द, सूखा रूखा खुरदरा और दर्द भरा रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, ये देखो इसका खांसी पहचानने का तरीका है, गर्मी से वार्म टू कोल्ड एयर। अगर धूप में आया, जैसे गर्मी के दिनों में धूप से आया और ठंडा में गया, वैसे अगर खांसी होता है तो उसको फास्फोरस है। लेकिन रिवर्स ऑफ ब्रायनिया, ब्रायनिया में क्या है, ठंडा से गर्म में जाएगा, ठंडा से एसी से बाहर निकलेगा तो खांसी होगा, जस्ट अपोजिट है। ब्रायनिया एंड फास्फोरस को दोनों समझ लो अच्छे से। एग्रावेशन फ्रॉम लाफिंग टॉकिंग रीडिंग ड्रिंकिंग ईटिंग और लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ड्रोसेरा एंड स्टेनम भी है। अगर बाएं साइड अगर सोता है उसे खांसी हो रहा है तो फास्फोरस ड्रोसेरा एंड स्टेनम आपको तीन दवाई पर सोचना है। इसका खांसी अच्छे से समझ लो। कप में ब्लड जाना इसका एक आम बात है फास्फोरस पेशेंट में। एग्रेवेशन इवनिंग बिफोर मिड नाइट, फर्स्ट लाइन लास्ट भी लाइंग ऑन लेफ्ट और पेनफुल साइड ड्यूरिंग ए थंडर स्ट्रॉम, वेदर चेंजेस आइदर हॉट और कोल्ड, कोल्ड एयर रिलीव द हेड एंड फेस सिस्टम, कोल्ड एयर रिलीव द हेड एंड फेस सिस्टम बट एग्रावेट्स दोज ऑफ चेस्ट थ्रॉट एंड नेक। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव कैसे है, सिर्फ हेड एंड फेस के सिम्टम को रिलीव करता है कोल्ड,
बल्कि कोल्ड एयर एग्रावेट्स चेस्ट थ्रॉट एंड नेक, ये तीन चीज को बढ़ेगा। एमरेशन इन द डार्क लाइंग ऑन राइट साइड फ्रॉम बीइंग रब्ड ऑन मेमोराइज्ड फ्रॉम द कोल्ड फूड कोल्ड वाटर अंटिल इट गेट्स वार्म, जब तक गर्म नहीं होता वो रिलीफ रहेगा, जैसे गर्म होगा वो बढ़ जाएगा प्रॉब्लम। कॉम्प्लीमेंटेड टू आर्सेनिक विथ विच इज आइसोमॉर्फिक एलियम का एलियम शिफा इट वेजिटेबल एनालॉग इनकम्पेटेबल टू विथ कॉस्टिकम मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर, कॉस्टिकम पहले और बाद में नहीं देना इस पर। फर्स्ट रिमूव द बेड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल सॉल्ट, वो ज्यादा जो नमक खाते हैं उसको भी ये ठीक करता है, तो वहां पर नेटरमूल के साथ आपको कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा। फॉलो वेल आफ्टर कैलक्रिया और चाइना। हनुमान सेज एक मोस्ट मैनिफेस्टली मेन पेशेंट सफर क्रॉनिक लूज स्टूल और डायरिया, अब ये कहां पर अप्लाई कर सकते हो तुम? एक्स मोस्ट मैनिफेस्टली वेन पेशेंट सफर क्रॉनिक लूज स्टूल और डायरिया। आजकल जो मॉडर्न डिजीज चला हुआ है इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम IBS, बहुत बढ़िया से आप यूज कर सकते हो, बशर्ते इसका थोड़ा टोटलिटी आपको रहना चाहिए। तो जब भी इरिटेबल बॉयल से IBS के प्रॉब्लम है, आजकल IBS का बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि जितने भी गार्बेज वगैरह जितने खाते हैं सभी लोग जो जंक फूड वगैरह, उसका पॉजिटिव फैक्टर्स है, उसमें फॉस्फोरस आपको देख के देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग वीक थोड़ा सा साइड से भी चलता है फॉस्फोरस पेशेंट देख ले वैसे। अब ये देखो इसमें छः पॉइंट याद रखो, ठीक से बोलो चलो। बर्निंग इन स्पॉट स्पेशली अलोंग द स्पाइन, एम्प्टी ऑल गोन सेंसेशन इन चेस्ट स्टोमेक, सेंसेशन एज इफ एनस रिमेन वाइड ओपन, वॉमिटिंग वाटर इज थ्रॉन आउट एज सून एज इट गेट्स वार्म इन स्टोमेक, नशिया फ्रॉम प्लेसिंग हैंड इन अ वार्म वाटर। देखो ठीक से याद रखना, नर्वस डिजायर टू बी ओके। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.